जानेंगे नहीं उनको ये। ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये हमारा पर्स है। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरफान एंड सना व्लॉग। सो गाइस, बज रहे सुबह के 7:30 और मेरा लॉग आउट अभी हुआ है। सो गाइस, मैंने जो कल व्लॉग एंड की थी तब से लेके अब तक मैं नहीं सोई। मैंने कल व्लॉग एंड किया, अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी तक नहीं सोई हूँ और अभी मैं सोऊंगी भी नहीं, बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताई थी व्लॉग में कि मम्मी की जो मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोग को उसकी रिपोर्ट्स वगैरह के लिए जानी है। सो अभी मम्मी का 8 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है। सो उसका अपॉइंटमेंट है। सो अभी मैं मम्मी के साथ जाऊंगी, पहले वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे हम लोग, बिकॉज हम लोग को मम्मी के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक कि वो हम लोग को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हम ऑपरेशन नहीं करवा सकते। डॉक्टर लिख के देना चाहिए कि ये शी इज़ फाइन फॉर द ऑपरेशन, तभी जाके जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन करेंगे, वरना वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। सो उसके लिए सारी रिपोर्ट्स चाहिए। सो अभी मम्मी के साथ जा रही हूँ वो रिपोर्ट्स लेने के लिए, वो रिपोर्ट्स लेके आऊँगी फिर सोऊंगी। मम्मी ने बहुत सुनिया था, बहुत बहुत सुनिया, 10-12 साल से था खराब उनको डायबिटीज। 12 साल से मतलब उनको पता 12 साल के चला, इससे पहले से शायद, बट अभी मम्मी को ये साल मिला के 12 साल हो गए ना डायबिटीज को। साल बहुत ज्यादा बोल रही, 7 साल हो गए। मम्मी है कितने की? 57 की है। मम्मी माँ देखो, मम्मी माँ देखो, मम्मी तुम्हारा ब्लड इतना डार्क मरून क्यों है? हम्म, बोलो। हाँ, इतना डार्क मरून क्यों है? मेरा इतना डार्क मरून नहीं है, इनका बहुत डार्क है। ऐसे भी मम्मी को देखो। अरे मम्मी संभाल के, मम्मी संभाल के, चलो मम्मी। मैं मर रही नहीं हूँ, हट। ये बोलते मैं क्या गिर रही हूँ क्या, पड़ रही हूँ क्या कहीं पे, हट। अरे मम्मी संभाल के चलो, ब्लड टेस्ट करा के आना। मम्मी संभाल के चलो, संभाल के चलो, संभाल के चलो, संभाल। मम्मी का ब्लड टेस्ट तो हो चुका है, बट अभी हम लोगों को ECG भी करवाना है। सो अभी ECG के लिए हम लोग दूसरी जगह पे आए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं ECG के लिए, ब्लड टेस्ट हो गया। ये फोटो देखो यहाँ पे, ये देख के मुझे बहुत हंसी आई है। गाइस मम्मी अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर ही। इतनी नींद आ रही है मुझे, इतनी नींद आ रही है मुझे, सिर्फ बिस्तर दिख रहा है, सिर्फ बिस्तर दिख रहा है, बहुत नींद आ रही है मुझे। बट मम्मी के साथ अभी बस ECG हो जाए, फिर घर पर जाऊँगी और सो जाऊँगा, बस सीधा सो जाऊँगी। सो गाइस, मम्मी आ चुके हैं अपना ECG करवा के और हम यहाँ पे अपनी रिपोर्ट के लिए बैठे हैं। हम पहले ही सीधा रिपोर्ट लेके जाएंगे। मम्मी थोड़ा YouTube फैमिली को बताओ, तुम्हारी डायबिटीज इतनी हाई कैसे रहती है हमेशा? तुम लोग की वजह से, तुम लोग में बहुत बनाते हैं, तुम और सोएला कुछ भी बोल रहे हैं। मेरी वजह से ज़रा भी नहीं रहते, ज़रा एक परसेंट भी नहीं रहते होगी मेरी वजह से। 300 की डायबिटीज की मैं आपको लिस्ट बताऊँगी ना, 350, 350 ही लास्ट है ना, उससे ऊपर नहीं गई है। बट 353 या 383 लास्ट है जो हम लोगों ने देखे थे एकदम हाई लेवल वाली। बट अभी अलहमदिल्ला मम्मी कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़े से पतले भी हुए, देखने लग रहे हैं कि आप लोग थोड़े से पतले हुए। गाइस ये मम्मी की ECG की रिपोर्ट है, देखो ये बस। मम्मी यार ये तो अपन वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लेते अगर यही चाहिए था तो, जबरदस्ती का इतना पैसा दिए, सबका तो सेम रहता है, निकलवा लेते ये उस पे से, गूगल पे से। पैसे बर्बाद हो गए बताओ। सो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी मैं सीधा जा रही हूँ सोने, एक मिनट भी नहीं रुकने वाली और मैं आप लोगों से सीधा मिलूंगी उठने के बाद। तो सुबह हमारी हो चुकी है गाइस, बज रहे हैं 3, बट मैं उठी हूँ, नाश्ता कर लिया है, सब कुछ हो गया है और मैं 8:30 या 9 बजे के अराउंड कुछ सोई हूँ। और उसमें भी मैं 2 बार उठी हूँ, बिकॉज एक बार मुझे ब्लॉग पोस्ट करना था 2 बजे, तो मैं अलार्म लगा के सोई थी। मैं 2 बजे एक बार उठी हूँ और एक बार मेरे मामू का फ़ोन आ गया था, उनकी वजह से उठी। तो मतलब नींद होती ही नहीं है पता है आप लोगों का, बिकॉज जो रात की नींद होती है ना वो रात की ही नींद होती है। रात की नींद अगर हमको सुबह में मिले तो वो नहीं पॉसिबल होता, बिकॉज आवाज़ भी बहुत आती है, फिर दूसरी चीज़ें भी होती है, तो वो सब चीज़ों की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती।
आती है, बट ठीक है अभी देखते हैं। अभी मम्मी को तो मैं डॉक्टर के पास लेके हमने सब करवा लिया है रिपोर्ट्स वगैरह, अभी 7:30 बजे रिपोर्ट्स लेने जानी है, उसके बाद उनका दूसरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे। और हाँ, आज इरफान का भी अपॉइंटमेंट है दांत के डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट तो हमने लिया है, अब देखते हैं कि हम इरफान को डॉक्टर के पास लेके जा पाएंगे या नहीं, बिकॉज मम्मी को भी टाइम लगेगा। सो देखते हैं, अगर इरफान को भी लेके जा सके तो इंशाल्लाह हम लोग इरफान को भी डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे, बिकॉज इरफान के जो दांत है उसमें उनको बहुत दर्द हो रहा है। सो हम लोग को दिखाना ही था, वो डॉक्टर के पास 2-3 बार अपॉइंटमेंट लिया बट हम जा नहीं पाए। सो इंशाल्लाह मैं आज ट्राई करूँगी कि आज इरफान को भी लेके चली जाओ, पूरा डॉक्टर पूरा आज ही मैं कर लेती हूँ। तुम्हारा भी अपॉइंटमेंट लियो डॉक्टर के पास दांत के, हाँ वो दांत तो दिखा है ना, उसको क्या है। इरफान चल के दिखा दो यार, कितने दिन से सिर्फ दिखा दो पंजा करके, अगले हफ्ते जबले हफ्ते 15 महीने बाद। अरे अगले हफ्ते मैंने छुट्टी ली है, पहले से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चेकअप करवा लो। 5 दिन की छुट्टी क्यों इरफान, इतनी छुट्टी मत लो, वो लोग रुखसती में छुट्टी नहीं देंगे। छुट्टी मिल जाएगी ना, जब सही रहेगी तब मिल जाएगी। जैसे कि थर्मस विद नेम एग्जाम नहीं आ रहा, जैसे कि थर्मस कटआउट्स के साथ, जैसे कि थर्मस विद नेम्स कपल कटआउट्स और क्या जन जरिए तो बोलो। वर्कलॉग विद 9 फोटोज, वो क्या वर्कलॉग विद 9, थोड़ा रुक के बोल। जैसे कि वॉल क्लॉक विद 9 फोटोज मेंस, जैसे कि वॉल क्लॉक विद 9 फोटोज मेंस कटआउट। जैसे कि बॉय क्लॉक विद 9 फोटोज थर्मस विद नेम्स, और क्या बचे, मेंस कॉम्बो, मेंस कॉम्बो, थर्मस विद नेम्स कट आउट। जैसे कि बॉय क्लॉक विद, इतने बड़े बड़े वीडियो बना क्या टाइम पास कर रहे हो तुम जान। वॉल क्लॉक विद 9 फोटोज मेंस का, अरे तो क्या है मेंस का, क्या है मेंस कॉम्बो है। हां चलो मेंस कॉम्बो, हां चलो कॉम्बो है 1। जैसे कि मेन कॉम्बोस, ये तो बता दो बस क्यों हो ये मान क्या टाइम पास आदमी हो, तो मत हंसो ना, फटफट बना लेंगे। जैसे कि मेंस कॉम्बोस थर्मस विद, पागल है क्या तुम, बोल कैसे रहे हो यार। चलो चलो इरफान प्लीज बी सीरियस है ना, 3-2-1। जैसे कि वॉल विद 9 फोटो, टाइम पास कर कुछ वीडियो नहीं बना रहे हम लोग। चलो मैं बोलता हूँ, जैसे कि वॉल क्लॉक विद 9 फोटो, वापस से चढ़ के मेरी खांसी आ गई। जैसे कपल कटआउट्स बॉल, सना यार पागल हो गया पता नहीं, बट बहुत हंसी आ रही है गाइस, पता नहीं क्यों। जल्दी बनाऊंगा यार, मेरे पास नाउ लास्ट है, लास्ट है गाइस, इसमें बना लो। 3-2-1 गो। जैसे कि कपल कटआउट्स बॉल, सना यार पागल वागल हो गया पता नहीं, बट मुझे इरफान को देख के हंसी आ रही है पता नहीं क्यों। जैसे कि कपल कटआउट्स थर्मस विद नेम्स वॉल क्लॉक विद 9 फोटोज मेन कॉम्बोज और बहुत कुछ, बस आपको जाना है और ये वेबसाइट बोलो ये सिर्फ लास्ट वाला पार्ट वापस से बोलो। नहीं चाहिए yesgift.in को DM कीजिए और अपने लव वन से अब मैं नहीं हंसी, जल्दी जाइए क्या था सर, तो जल्दी जाइए yesgift.in को DM कीजिए और अपने लव वंस के लिए बहुत सारे गिफ्ट लीजिए। बन गया, बड़ी मुश्किल से बनाएगा इस वीडियो, चलो जल्दी चलो। हेलो, तो फाइनली व्लॉग बन चुका है गाइस, देखो मेरा नाम और मेरा फोटो है इसके ऊपर, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये हमारा पर्स है और उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आप सबको भरना है गाइस, तो आप सब प्लीज भर देना। चलो चलो गाइस, हम लोगों ने सिर्फ एक प्रमोशन के लिए वीडियो बनाने का था और हम लोगों ने वो वीडियो में इतना टाइम पास किया ना, इतना टाइम पास किया ना, बहुत टाइम पास किया। क्या बोल रहे हो, इसमें अपने कपड़े लेकर आना ठीक है, जब आओगी ना यहाँ से उसमें ना सिर्फ जो मेरा हैंडकरचीफ है ना जो मैं लेकर आऊंगी सिर्फ वो आ सकते हैं, हैंडकरचीफ, ओनली हैंडकरचीफ।
विदाउट एनी डिजाइन वाले, वो भी एकदम सिंपल हैंडकरचीफ है ना, सब इधर रहने देना। मैं भी इधर ही रुक जाती हूँ ना, मैं भी यहीं रह लेती हूँ मम्मी के पास। मेरी चलेगा रिपोर्ट आ चुकी है मम्मी की, हम लोग आए रिपोर्ट लेने के लिए, तो मैंने मम्मी की रिपोर्ट ले ली हूँ। आई होप बस होप के रिपोर्ट अच्छी आई हो, डायबिटीज़ कम आई हो, देखते जाके अभी चेक करती हूँ। सो गाइस इन केस आप लोगों को ये लोग कभी भी दिखे तो प्लीज़ इन लोगों को कुछ अमाउंट दे देना, बिकॉज ये किसी से पैसे मांगते नहीं है, ये लोग मेहनत करके ऐसे काम करके पैसे कमाते, सो प्लीज़ आप इन लोगों को पैसे ज़रूर देना। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, दिखाओ। ये सब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, बस मेरे एक ही रिपोर्ट समझ में आती है। क्या हुआ? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब खाने से पहले 140, पोस्ट प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब खाने के बाद 156। क्या बात है, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। तरस गई थी देखने के लिए जान, एक महीने में मम्मी ने किए इतनी कम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आज पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। सो गाइस वही हुआ यार, मम्मी की डायबिटीज 350 आई है, बहुत टेंशन हो गया हम लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हमें, अभी 350 डायबिटीज़ हो गई है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पास चलो तो मालूम पड़ेगा क्या बोलेगी अब वो। 350 यार गाइस, कितना ज़्यादा होता है, इतनी मेहनत करते बेचारे मेरी मम्मी, और 350 156 है। खाने के पहले की 140 कुछ है, खाने के बाद की 156 है। हाँ सही में कसम से मम्मी झूठ नहीं बोल रही सर। हाँ सच में रिपोर्ट में नहीं को खाने के बाद की 156 है, मम्मी को खुद को यकीन नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को बोली 350 डायबिटीज आई है और 220 खाने के पहले की, 350 खाने के बाद की। मम्मी बोले मैं तो फिर खा पी के ही कर लेती, बिना खाए पिए इतनी आ रही है। मम्मी को खुद को यकीन नहीं हो रहा, अभी रिपोर्ट खोल के देखे सेकंड पेज पे रास्ते पे ही खोल रहा। टेंशन आ गया उनको, गाइस लेवल मिल के बता देती वरना पूरा रास्ता वो टेंशन में रहते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के आई डॉक्टर के पास, जिससे मम्मी कंसल्टेशन करवा रहे हैं आपका, उसको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे फिर डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो दोस्तों जो आई डॉक्टर है, आई डॉक्टर ने अप्रूवल दे दी है दैट शी इज़ गुड टू गो, सिर्फ जाके लेना है हम लोगों को अभी फिटनेस सर्टिफिकेट, और दूसरी चीज़ें भी मम्मी को चेक करवानी है, सभी वो दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यहाँ से हम लोगों को अप्रूवल मिल चुका है। हो चुका है खत्म गाइस, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है और अभी बस लॉग इन करने के लिए बैठी हूँ। उठूँगी वही 7:30 बजे, ब्रेक्स मिलेंगे बीच में, ब्रेक्स में वीडियो एडिट करूँगी। सो इसी के साथ गाइस आज को जो ये ब्लॉगिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है, आप लोग दुआ करना कि इंशाल्लाह सब चीज़ें अच्छे से हो जाए। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार, मैं ना ब्लॉग में बहुत गाइस बहुत बोलती हूँ, बिकॉज आज मैं ऐसी बैठ के एक ब्लॉग देख रही थी, उसमें मुझे पता चला कि मैं बहुत गाइस बोलती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वो कर लो, एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरे मुँह से बहुत गाइस निकलता है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम बोलूँ, मैंने आज नोटिस की कि बहुत गाइस निकलता है मेरे मुँह से, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अभी कम गाइस बोलूँ। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और हाँ, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बेला किधर है, सो बेला सो गाइस मुझे मेरे ट्रेनर ने बुलाया था इसलिए मैं जाना पड़ा, मैंने फिर से गाइस बोली। हाँ, और मैं ये बोल रही थी कि सब लोग पूछ रहे हैं कि बेला किधर है। सो बेला वापस से अपनी मम्मी के पास चली गई है गाइस, बिकॉज हम लोगों ने उसको बहुत जल्दी लेकर आ गए थे, हम लोगों ने उसको 1 मंथ में ही लेकर आ गए थे। उसकी ना मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो लूज मोशन कर रही थी, बिकॉज हम लोग उसको बाहर का दूध दे रहे थे, वो लूज मोशन कर रही थी और मतलब बहुत अनएक्टिव रह रही थी। तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग ने इसको बहुत जल्दी लेकर आए हो, ये बहुत छोटी है, इसको वापस से इसकी मम्मी के पास दे दो, 2-2.5 महीने बात लेकर आना। सो हम लोग ने उसको वापस उसकी मम्मी के पास दे दी। अभी जैसी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 1-1.5 महीने की हो जाएगी, हम लोग उसको तब लेकर आएंगे गाइज। सो इसी के साथ हमारा जो ब्लॉग है वो यहीं ख़त्म होता है। आप लोग अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना, तब तक के लिए